आर्थराइटिस जो वर्ड है इसका मतलब, इसका एक लैटिन वर्ड से आया है, आर्थरस। आर्थरस मतलब जॉइंट, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। जॉइंट में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसको आर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए इंजरी हो गई किसी भी जॉइंट में, तो वो उसका सतह रुखड़ा हो गया तो वहाँ आर्थराइटिस हो गया, वो पेनफुल हो जाएगा। यदि किसी को गठिया रोग है, और वो भी गठिया रोग जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों का रोग है जिससे कि उसके जोड़ खराब हुए, उसमें भी जोड़ खराब हुए तो वो पेनफुल हो जाएगा, तो वो भी वो गठिया रोग के कारण वो पेन आर्थराइटिस हो गया। अगर आप जानते होंगे, आजकल देखते हैं यूरिक एसिड के बारे में सब लोग ने जाना है, उससे भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स काफ़ी नुकीले क्रिस्टल्स होते हैं, वो जो इंजरी क्रिएट कर देते हैं जॉइंट में। एक्स्ट्रा यूरिक एसिड ज़्यादा होने से शरीर में वो जॉइंट में जा कर के सेटल करते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो वो गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आर्थराइटिस किसी भी कारण, जोड़ों को जो दर्द है उसको ही हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। अब हर एक उम्र में देखिए, ज़्यादा एज होता था, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, एज अधिक उम्र होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जब आदमी उम्र ज़्यादा हो जाता है तो उसके हड्डी घिसने लगते हैं, उसके कारण जो पेन होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब जैसे लोगों के बाल पक गए, आँख की रोशनी कम हो गई, उसी तरह घुटना पर निरंतर दबाव पड़ते पड़ते वो घिसना शुरू हो जाता है, और उम्र ज़्यादा उम्र होने से उसकी उसमें रुखड़ापन आ जाता है, तो उसको हम लोग आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस करते हैं। इसमें कोई बीमारी के कारण ये नहीं है। फिर कोई बीमारी के कारण अगर ये जॉइंट में बीमारी रुखड़ापन आ गया तो उसको हम लोग ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, अगर टीबी के कारण है, अगर इन्फेक्शन के कारण है तो इन्फेक्टिव सेप्टिक आर्थराइटिस। तो इन सब किस कारण से जॉइंट पेन हो रहा है उसी से इसका नोमेनक्लेचर दिया गया है। लेकिन आम लोगों के भाषा में जब लोग आर्थराइटिस की बात करते हैं तो वो ज़्यादा उम्र वाले लोगों का जो हड्डी घिसता है एजिंग से, उसी को समझते हैं। और आज हम लोग केंद्रित करेंगे उसी बीमारी को जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा चीज़ है जिसके कि जॉइंट के बीच का कार्टिलेज घिस जाता है, पेनफुल हो जाता है, उसके नस जो है वो बाहर आ जाती हैं, तो उससे पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। इस ये भी शुरुआती लक्षण, इसके भी क्लासिफिकेशन है। शुरुआती लक्षण में जब आदमी सीढ़ी चढ़ता है, चाहे नीचे बैठ के उठ रहा है तो पेन हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे चलने में कोई पेन नहीं होगा, तो उसको समझना है कि हमारा ये, अब इसे ठीक करना है तो वो हम कैसे करेंगे।